नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गए हैं। दोनों ही पार्टियों में अंदर खाने मजबूती के साथ रणनीति बनाई जा रही है ताकि वोटर्स को निकाय चुनाव में अच्छे से लुभाया जा सके। तो वहीं निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल संपत्ति का प्रावधान हटा चुकी है। गहलोत सरकार के इस फैसले का कई सामान्य जाति के संगठनों ने स्वागत किया है और सरकार का आभार भी जताया। हो सकता है कि सरकार का यह फैसला निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए रामबाण साबित हो। माना जाता है कि सामान्य जाति के मतदाताओं पर बीजेपी का दबदबा है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कार्ड चलने पर अब सामान्य जाति के वोटर्स कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे। इसी बीच सवाल उठते हैं कि क्या आरक्षण से जुड़ा मामला निकाय चुनाव में मुद्दा बनेगा? क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस को इस फैसले का फायदा मिलेगा? क्या सामान्य वर्ग के वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में आकर्षित होंगे? कांग्रेस के इस जोड़ का बीजेपी कैसे निकालेगी तोड़? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। सरकार ने जो पिछले 10 महीनों में कार्य किए हैं, राजस्थान के आम आदमी को लाभ देने वाली योजनाएं सरकार लेकर के आई है, उन योजनाओं को, उन मुद्दों को लेकर हम राजस्थान में इन चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान का आम आदमी आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहता है। उपचुनाव के नतीजे भी यदि आप देखें तो मंडावा में बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं, हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी जीती है, और खींवसर में भी बहुत ही कम अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी हारी है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कांग्रेस की तरफ राजस्थान का आम आदमी आज देख रहा है और इन चुनाव में उस क्षेत्र के विकास के लिए नगरीय और स्थानीय जो नगर पालिकाएँ, नगर परिषद और नगर निगम है, उनके विकास के लिए निश्चित रूप से लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा 10% का दिया गया, उसमें बहुत सारी जटिलताओं के साथ ये कानून लागू किया गया और उसमें जो संपत्ति की और भूमि की, भवन की जो शर्तें थी, जिसकी वजह से इस आर्थिक पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है इसका लाभ राजस्थान के आम आदमी को नहीं मिल रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, जिन्होंने आगे बढ़ करके देश भर में सबसे पहले इन जटिलताओं को हटाने का जो निर्णय लिया है, जो भूमि की, संपत्ति की जो शर्तें हटाई है, उसका आज पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए प्रदेश भर से हजारों लोग रोजाना आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम मंत्री, विधायक क्षेत्र में, जिलों में जा रहे हैं, तो हमारे माध्यम से भी हमें भी लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास मिलने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, आने वाली पीढ़ियों तक आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये जो निर्णय हुआ है ये उपयोगी साबित होगा और इसका सही मायने में लाभ मिलेगा और कांग्रेस के इस निर्णय को निश्चित रूप से राजस्थान की आम जनता अप्रिशिएट कर रही है और इसका लाभ भी हमें आने वाले चुनाव में मिलेगा। देखिए, पूरे राजस्थान में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस के प्रभारी मंत्री और संगठन के जो भी प्रभारी हैं वो सब, उनका अपना अपना काम है, वहाँ जाकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के साथ मीटिंग लेना, जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव को लेकर लोगों का फीडबैक लेना, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना, जो लोगों में डिजर्व करता है, जो लोगों के बीच में मेहनत कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो हमारे संघर्ष का साथी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी और हमें भरोसा है, क्योंकि इस देश में आप खुद जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। जो माहौल इन्होंने बनाया पूरे देश में, जब असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे एक दिन पहले, पूरा टीवी मीडिया पे दिखाया गया कि गोलियां चल रही है, पाकिस्तान के ऊपर हमने हमला कर दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक। अब ये ज़्यादा आप करते हो सेना की आड़ में खड़े होकर और सेना की बहादुरी को आप खुद श्रेय लेना चाहते हो, और जो आप नाटकबाजी कर रहे हो उसमें ना भुखमरी पे डिस्कस करते हो, ना बेरोजगारी पे, ना आर्थिक मंदी पे। लोगों ये समझ गए कि बीजेपी से वोट की राजनीति करती है और निकाय चुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़कर स्टेट के विकास के लिए मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ निकायों में जीतेगी तो काम होगा। अभी आपको पता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जितने लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को हमने सारी जमीन की शर्त उठा ली और पूरा उनको अधिकार दिया बच्चों को, लेकिन उन्हीं बच्चों को जब केंद्रीय नौकरी की बात आएगी तो
सेंट्रल की नौकरियों में उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के जो नेता बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये अपने जाके इनको अपने नेताओं से मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई अशोक गहलोत के ऊपर बोलता है, कोई सचिन पायलट पर बोलता है, तो आप अपने ऊपर भी बोलिए ना। अब जाके मोदी जी से कहो कि राजस्थान पैटर्न पूरे देश में लागू करें, जमीन की शर्त हटाए, तो लोगों को फ़ायदा होगा। नहीं तो केंद्र की नौकरियों में जो नौकरी नहीं मिलेगी उसका नुकसान राजस्थान के बच्चों को होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से पूरी बात करके, पूरा प्लान करके, जयपुर में और पूरी स्टेट में पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र सरकार से राजस्थान पैटर्न लागू करें। फिर वो नहीं करते हैं तो पूरे स्टेट में प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, राजस्थान पैटर्न को लागू कराने के लिए केंद्रीय नौकरियों में भी। तो आपने तमाम बयान सुने, एक नज़र सवालों पर भी डालते हैं। कई सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज बड़ी बहस हमारी केंद्रित रहने वाली है। तो सवाल नंबर एक, क्या EWS आरक्षण से जुड़ा मामला निकाय चुनाव में मुद्दा बनेगा? क्या निकाय चुनाव में कांग्रेस को इस फैसले का फायदा मिलेगा? क्या सामान्य वर्ग के वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में इस फैसले के बाद आकर्षित होंगे? और कांग्रेस के इस जोड़ का बीजेपी कैसे निकालेगी तोड़? ये सवाल लगातार बना हुआ है और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। क्योंकि निकाय चुनाव के रण में राजनीतिक जल जुड़ चुके हैं पूरी तरह से, ताकत झोंकी जा रही है दोनों पार्टियों की ओर से। तो चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधा परिचय उन खास मेहमानों से आपका मैं करा दूं। मेरे साथ हैं आरपी विजयवर्गीय जो बीजेपी से नेता हैं। आरपी विजयवर्गीय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में बड़ी बहस में मेरे साथ शामिल होने के लिए। साथ ही पवन शर्मा है जो उपाध्यक्ष हैं सर्व ब्राह्मण सभा के। पवन शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। पवन शर्मा जी, आप ही से सर बड़ी बहस की शुरुआत कर रहा हूं मैं। किस तरीके से देख रहे हैं जो गहलोत सरकार की ओर से EWS आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर फैसला लिया गया है? दरअसल अचल संपत्तियों का जो प्रावधान है उसको हटा दिया गया है, इस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए सर, मैं सर्वप्रथम तो हमारी जो गहलोत सरकार है जिसने ये फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। EWS आरक्षण का जो फैसला लिया है, इस फैसले से हमारे जो सवर्ण हैं, हमारे जो जनरल कास्ट के लोग हैं, इन सबको बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि इससे पहले जो नियम था, ये नियम केवल एक लॉलीपॉप था। इसके माध्यम से उसमें इतने नियम थे कि आप अपनी जमीन बताइए, अपनी संपत्ति बताइए उसके दायरे में, यानी एक व्यक्ति उसका फॉर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाता, ये स्थिति थी। तो मैं गहलोत सरकार का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये कार्य बहुत सराहनीय किया है। ठीक है, आरपी विजयवर्गीय जी, सर किस तरीके से देखें? चूंकि कोशिश तो बीजेपी भी बहुत कर रही है कि जनता को लुभाए जाए, लेकिन एक बड़ा कार्ड खेल दिया गहलोत सरकार ने सवर्णों के ऊपर EWS को लेकर। पराग गुप्ता जी, सभी को पता है कि ये जो टाइम इन्होंने चुना है वो टाइम है निकाय इलेक्शन का, और इलेक्शन में सिर्फ क्योंकि ये हारे हुए हैं, अपने आप को हारे हुए मानते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने ये डिसीजन लिया है। जबकि ये डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 के अंदर ले लिया था, और जब इन्होंने जब फरवरी 2019 के अंदर राजस्थान सरकार ने डिसीजन ले लिया था, उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। जो आज कंडीशन ये जो हटा रहे हैं, उस समय क्यों नहीं हटाई? अगर इनको लगता था कि हटानी चाहिए थी तो उस समय हटानी चाहिए थी। सिर्फ इलेक्शन को जीतने के हिसाब से, निकाय चुनाव के हिसाब से, स्वर्ण जाति के जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके वोटों के लिए ये राजनीति कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये काम इन्होंने डिसीजन लिया है। बट मैं एक बात बता दूं कि इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। आज ये एक तारीख में इन्होंने जो चीजें हटाई है, आज की तारीख में 86% मिनिमम 86% आदमी ऐसे जिनके पास 5 हेक्टेयर लैंड से कम है। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो जो आप 100 गज की जमीन और 1000 गज का फ्लैट जो रखा है, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट, वो 20% आदमी के पास है।
तो 80% आदमी को तो वैसे बेनिफिट मिलता, 86% आदमी को वैसे बेनिफिट मिलता। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की इन्होंने, सिर्फ एक माइंड वॉश किया है निकाय चुनाव के टाइम पे कि हमने एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आज की तारीख में आज क्या डिसीजन लिया इन्होंने, टोल टैक्स जो माफी करके गई थी वसुंधरा जी 300 करोड़ रुपए का, उनको इन्होंने वापस ले लिया। तो ये तो एक्चुअली क्या है, ये सरकार एक्चुअली गरीबों की या जो ओबीसी है एससी एसटी की है, जनता की, आम जनता की जो धारणा है कि ये कुछ फायदा करेगी, फायदा नहीं करके उनका नुकसान कर रही है। और यहाँ पर भी सिर्फ निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया है और इसका बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट इनके फायदे में नहीं होगा। तो आप ये मान रहे कि सवर्ण भारतीय जनता पार्टी, आप ये मान रहे कि सवर्ण आकर्षित नहीं होंगे, कांग्रेस की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, वो समझ रहे हैं चाल को भारतीय जनता पार्टी? तो क्या चाल बता रहे हैं आप, सिर्फ चाल है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं होंगे सर, बिल्कुल नहीं होंगे। कारण क्या है कि ये स्वर्ण, बिल्कुल स्वर्ण को जो एक्चुअली आरक्षण दिया है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। आज 2014 के अंदर इन लोगों ने प्रॉमिस किया था, अपने मैनिफेस्टो में डाला था, कुछ नहीं कर पाया ये लोग। ये तो इन्होंने सिर्फ ये आज क्यों याद आई इनको, 20 अक्टूबर को क्यों याद आई इनको, जब इन्होंने 19 फरवरी को ये काम कर दिया था उसमें तो इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, सिर्फ निग्गर आपके निकाय चुनाव को लेकर के ये डिसीजन लिया है जो टोटली एक्चुअली क्या है, इनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, आज टोल माफी को इन्होंने वापस लिया है 300 करोड़ रुपए के लिए, इन्होंने एक्चुअली जो काम किए थे जो इनको करना था वो इन्होंने, तो ये तो जन विरोधी डिसीजन ले रहे हैं, कोई ऐसे डिसीजन इन्होंने नहीं। लेकिन 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 सर, अगर चुनाव नजदीक है तो कोशिश तो करेगी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना, उसको बीजेपी क्या कर रही है? नहीं देखो, मैं एक बात होता हूँ, कोशिश करते हैं जो सरकार में होता है वो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट लेने की चेष्टा करता है, बट ये तो आम आदमी देखेगा ना कि एक्चुअली ये जो बेनिफिट लेके आए हैं, ईडब्ल्यूएस लेके कौन आया था, ये ईडब्ल्यूएस जो लेके आए हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी लेके आए हैं। जो ये 12 जनवरी 2019 को ये जब एक्ट बना था उसमें कांग्रेस साथ में थी, उसमें इन्होंने कोई अपोज नहीं किया, इन्होंने इनिशियली अड़ंगे लगाए थे बट बाद में ये आकर के इसको इन्होंने समर्थन दिया है, पास हुआ है। 333 इनके पक्ष में पड़े थे, 3 इनके विपक्ष में पड़े थे, आ रहा हूं आपके पास। बिल के अगेंस्ट में राज्यसभा में 165 इनके पक्ष में पड़े थे, 7 विपक्ष में पड़े थे। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना जबरदस्त बहुमत से ये पास हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य में फायदा तो दे रही ना कांग्रेस पार्टी आकर्षित करने के लिए, जो अचल संपत्ति का प्रावधान कांग्रेस ने हटा दिया, तो क्या नहीं लगता कि इससे वोटर्स आकर्षित होंगे? अब ये फायदा तो पराग ने क्या, मैंने पराग गुप्ता जी, मैंने आपको बताया 86% आदमी 5 एकड़ लैंड से कम रखते हैं, 20% आदमी के पास 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर की फ्लैट है या 100 गज से ऊपर की जमीन है, तो ये फायदा कहां किसको दे रहे हैं? ये तो वैसे भी फायदा, एक्चुअली क्या होता है, इसका पर्पज क्या था आज की तारीख में, इसका जो मेन पर्पज था इस बिल को लाने का, कि जो बिल्कुल जो डिजर्व करता है कैंडिडेट उसको बेनिफिट मिले। अगर आप ये सारी समस्या हटा देते हैं तो आपको कितने आदमी को आप बेनिफिट दे, सारे के सारे आ गए, तो जितने भी बचे थे वो सारे के सारे आ गए, तो इसमें जो डिजर्व करता था उसको वंचित हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि वंचित नहीं होगा बट उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो डिसीजन लिया था वो, बट वैसे भी सरकार ने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट कोई लेना चाहे अपने डिसीजन वो कंडीशन हटा सकती है, तो अगर इन्होंने हटाया तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, 86% और 80% ऑलरेडी एक्चुअली इसमें कवर हो रहे थे, तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। ठीक है, पवन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहुंचाने वाली बात है, ठीक है पवन जी, हम पहुंचाएंगे अपनी बात रखें आप, और ये बात पहुंचा करके हम कहेंगे कि ये लॉलीपॉप है और ये इलेक्शन निकाय चुनाव के टाइप है लॉलीपॉप। ठीक है पवन जी, आप अपनी बात रखें, चूंकि विजय वर्गी तो कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ जुमला है। पराग जी, 92 से ये जी देखिए, विजय बर्की जी तो कह रहे हैं अगर ये जुमला ही था तो फिर इन्होंने बिल पास ही क्यों किया, लेकिन मैं आपको उस मुद्दे पर लेके जाना चाहूंगा कि 92 जी, मैं आपको एक बात बताऊं, 92 से नहीं, सुन लीजिए सर, ब्राह्मण महासभा, मैं ये नहीं कह रहा, विजय बर्की जी सर सुन लीजिए एक बात, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री सुरेश मिश्रा जी ने 5 लाख ब्राह्मणों को एकत्रित किया, जयपुर को, राजस्थान को बंद कराया, आपके करौली में, धौलपुर में, भरतपुर में सारे ब्राह्मणों ने लाठियां खाई, और यही बीजेपी की गवर्नमेंट थी
जिसने जयपुर में 1,00,000 ब्राह्मणों के ऊपर लाठी चार्ज किया, हमारी गाड़ियां जलाई गई, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्राह्मणों को यह सहानुभूति नहीं दी गई। लाठी खाने वाले पंडित सुरेश मिश्रा जी और सर्व ब्राह्मण महासभा थी। सर्व ब्राह्मण महासभा ने राजस्थान में पहली बार आरक्षण वाले मुद्दे को, इस बिल वाले मुद्दे को लेकर के आए, और आज हम 24 वर्षों से सर्व ब्राह्मण महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी आज भी इसके लिए कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये आभार व्यक्त इसलिए करूंगा क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सही करता है उसकी सराहना करनी चाहिए। मैं बीजेपी कांग्रेस में न जाते हुए इतना कहना चाहूंगा, क्या बीजेपी एक वो पार्टी है जो एक बेतरणी नदी है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं बेतरणी नदी में कूद जाएगा तो पार हो जाएगा, ये कोई बात नहीं होती है। बीजेपी जरूरी नहीं है कि सारे काम ही सही करती है, और जरूरी नहीं है कि कांग्रेस सब कुछ गलत करती है। आदरणीय कांग्रेस सरकार ने हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ दिया है, और हमारे राजस्थान में जब जब गहलोत सरकार आई है तब तब गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा सुशासन किया है। गरीबों को पेंशन का हो, चाहे वो दवाइयों का हो, जो भी कोई भी कार्य हो, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा किया है, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और मैं इसलिए आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन लाठियां खाने में मैं एक अल्टो गाड़ी लेके आया था, बॉस मेरी दूसरे दिन की वो गाड़ी थी, और उस आरक्षण वाले मुद्दे पर ही मेरी गाड़ी टूटी, मैं बहुत रोया उस दिन। ऐसे हमारे कई लोग थे जिनकी गाड़ियां टूटी, जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, और इस बीजेपी की सरकार ने ही हम पर डंडियां बरसवाई थी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये कार्य बहुत अच्छा किया है, और ये कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है और वोट बैंक की राजनीति है। अगर कांग्रेस सरकार ने ये लॉलीपॉप खेला है या मान के चलो लॉलीपॉप दिया है, तो क्या धारा 370 को पहले नहीं हटाया जा सकता था इन दो चुनावों से पहले, हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनावों से पहले? लेकिन मैं राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहता। अगर सच है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, हमें हमारे धर्म पर, हमारे भारत पर, हमारे राष्ट्र के हित में जो फैसला हो उसको कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो उसे सराहना चाहिए। बीजेपी इस बिल को लेके आई, लेकिन ये बिल बेड़ियों से बंधा हुआ बिल था, ये ब्राह्मणों के लिए केवल संतुष्टि थी, ये ब्राह्मण के लिए, जनरल कास्ट के लिए केवल लॉलीपॉप था। इसलिए आदरणीय जो फॉर्म था उस फॉर्म में दो बच्चों को लाभ नहीं मिला आज तक। आज हर ब्राह्मण, हर राजपूत, हर जनरल कास्ट का व्यक्ति इतना प्रसन्न तो है कि कम से कम हम आरक्षण की लाइन में तो लग पाएंगे, कम से कम हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि हमें कुछ परसेंट फायदा इसका मिलेगा। इससे पूर्व उसमें इतनी बेड़ियां, इतनी जंजीरें बंधी हुई थी कि हमें उसका फॉर्म भी फिल नहीं करना आता। ठीक है विजय वर्ग जी, बीजेपी की बेड़ियों को तोड़कर कांग्रेस पार्टी सवर्णों को जोड़ रही है, लेकिन आपके पास क्या तोड़ा है इसका? राज गुप्ता जी, आप सभी को पता है ये जो बिल लेके आए थे या जो कानून लेके आए हैं, ये कौन लेके आए? ये तो मोदी जी लेके आए हैं। ये तो एक्चुअली सरकारों को तो उनको एक्सेप्ट करना है, अब उसमें जो मॉडिफिकेशन करना, वो अधिकार तो उन्होंने दे ही नहीं। सर आपके सामने कह रहे हैं ना, पवन जी कह रहे हैं कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ बिल था जिसकी बेड़ियां कांग्रेस सरकार तोड़ने का काम कर रही है। बार बार पवन शर्मा जी से, बेड़ियों में जकड़ा हुआ बिल बताया आपके सामने सर, पवन शर्मा जी आपके बगल में बैठे हुए हैं और किस तरीके से हताश हुए ये भी आप देख रहे हैं। पवन जी ये शायद भूल रहे हैं कि ये कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, इन्होंने लाठियां खाई, चाहे कुछ भी कहिया हो, बट अल्टीमेटली आपकी लाठियों का असर ही हुआ। अगर आपने लाठी खाई है तो आपने सर्व ब्राह्मण समाज की, अगर कोई, अगर इन्होंने कोई आंदोलन किया तो इनको बेनिफिट किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया है, न कि और कोई कांग्रेस सरकार ने दिया। कांग्रेस सरकार ने तो प्रॉमिस किया था, मैनिफेस्टो में डाला था, फिर भी इनके लिए कुछ नहीं किया। आज जो कुछ किया है वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दूसरी चीज, ये जो बार बार कहते हैं कि बेड़ियों से बंधा होता, मैंने बार बार ये दो बार आपको ये बता दिया कि इसमें 86% आदमी के पास 5 हेक्टेयर से कम की जमीन है। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपको, अगर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो जिसको वास्तव में बेनिफिट देना है, वो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब 8,00,000 की आप लिमिट है, उसका तो विरोध नहीं कर रहे आप। अगर इनको विरोध करना था तो 8,00,000 की लिमिट का भी करते, वो क्यों करा? क्योंकि ओबीसी के अंदर ऑलरेडी है वो 8,00,000 का, ओबीसी के अंदर वो चीज नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। और ये सोच करके निकाय चुनाव के अंदर अगर इनको करना था तो जो फरवरी में जब नोटिफिकेशन लेके आए थे वहां तो सारी कंडीशन निकाली है राजस्थान गवर्नमेंट ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज भी कांग्रेस की सरकार है। आज क्या चेंज हुआ? ये कोई चेंज नहीं है, इनकी हालत पतली है। निकाय चुनाव के अंदर इनको पता है कि क्या होने वाला है,
तो उसको देख करके ये डिसीजन लिया है। बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई डिसीजन लिया है तो इतना कोई बड़ा ये नहीं है। हम तो ऑलरेडी हम भी 86% 80% उसमें ऑलरेडी कवर हो रहे थे, बहुत खुशी की बात नहीं है। बट ठीक है, अगर कोई खुश होना चाहता है तो खुश हो लो। मतलब ये महसूस कर रहे हैं कि अच्छा किया है, अच्छा तो बीजेपी होना चाहिए किया है। इन्होंने तो क्या किया उसमें मोडिफिकेशन, बीजेपी इतना भी अच्छा कर सकती है कि 5 साल का समय निकाल लिया और 4 साल का समय, ये 2 साल का होने वाला है, तो हमारी केंद्र सरकार को मोदी जी ने अगर ये किया है और मोदी जी ने अगर ये किया है तो केवल 10 साल के लिए आरक्षण लागू हुआ था, तो क्या पूर्ण रूपेण बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, हर तरीके का बल बीजेपी सरकार के पास में है, तो इस विधेयक को खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन 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 सुनिए सर, एक एक करके देखिए, समय कम है। आखिरी कमेंट में चाहूंगा आप दोनों से, विजय वर्गीय जी देखिए, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी ये बिल लेकर आए, अगर कांग्रेस पार्टी इसमें मॉडिफिकेशन कर रही है तो दिक्कत क्या है फिर बीजेपी को? नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको बार बार बता रहे हैं कि 86%। दिक्कत तो यह है कि सिर्फ चुनावों के लिए इन्होंने जनता को गुमराह किया है। हाँ। यह सबसे बड़ी दिक्कत है, बाकी जो बेनिफिट मिलना था वो तो वही बेनिफिट मिलेगा। हाँ। और मैं कहता हूँ डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलना था वो थोड़ा सा उसमें क्या थोड़ी सी कमी आ गई। तो मेरा यही मानना है कि हमारा जो उद्देश्य था, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, वो अंत्योदय का होता है, लास्ट में जाकर के जो गरीब से गरीब आदमी, तो क्या सर मानने की कहीं ना कहीं फायदा तो होगा, कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे सवर्ण कांग्रेस पार्टी की ओर, फायदा होगा कहीं ना कहीं, ये बीजेपी मान रही है कि फायदा होगा अगर इसमें चेंजेस किए गए हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। ये भ्रम में रहे, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, पवन शर्मा जी, जी फर्क क्या पड़ेगा? जी जी जी, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता पड़ेगा। बट आपको इतना जरूर मैं कह देता हूँ कि ये जो राजनीति थी ना, ये सिर्फ निकाय चुनाव के, लेकिन सर सवाल ये कि आप क्या तोड़ निकाल रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा लाएंगे निकाय चुनाव पे भी? क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है? अगर कांग्रेस पार्टी तोड़ निकाल रही है, अगर जोड़ने की कोशिश कर रही है सवर्णों को, आप कह रहे हैं कि नतीजे आएंगे तो उसका फैसला जनता का सबके सामने होगा, लेकिन बीजेपी अभी क्या कर रही है? सर चुनाव अभी बाकी है, आपको लड़ना है चुनाव, उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है, किन दावों को लेकर, वादों को लेकर उम्मीदवारों को मैदान में भेज रहे हैं आप? नहीं अजी, पराग गुप्ता जी मैं आपको बता दूं, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो एक्ट लेके आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। दूसरी चीज, आज की तारीख में जो धारा 370-335 से जो हटाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। आज की तारीख में जो देश हित के, जो राष्ट्रवाद के, जो हित के तो क्या सर निकाय चुनाव में यही मुद्दा लेकर आएंगे? सर यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या निकाय चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों के सारे बीजेपी की नैया पार होगी? ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए काम कर रही है, और इकोनॉमिक वेकर सेक्शन का नहीं, हम तो हमेशा डेवलपमेंट का बात करते हैं, डेवलपमेंट का काम करके हम, आज की तारीख में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगे हैं। ठीक है, ये जरूरी था, आज 70 साल से हम परेशान थे, उसको इन्होंने तोड़ निकाल करके, तो कांग्रेस भी कर सकती थी। ये हिम्मत चाहिए, आज जीएसटी का डिसीजन लिया, ये जो डिसीजन लिए हैं ये बड़े हिम्मत वाले डिसीजन लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी डिसीजन जो लेती है वो नेशनल इंटरेस्ट में लेती है, राष्ट्र हित में लेती है, राष्ट्रवाद उसमें होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई डिसीजन लेती है तो कांग्रेस, वैसे भी कुछ 3 या 2-3 स्टेट में सिमट के रह गई है, अगर इनको लड़ना था तो ये बात आज फरवरी में क्यों नहीं की इन्होंने? अगर यही चीज करनी थी तो आज चुनाव के टाइम पे क्यों की? मेरा मुद्दा यही है कि चुनाव के बेनिफिट के उठाने के लिए इन्होंने ये चीज उठाई है। ठीक है, मैं इसका विरोध इसलिए नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूं, अल्टीमेटली जो बेनिफिट जितना होना ना उतना ही होगा, और वो बेनिफिट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये कांग्रेस ने बेनिफिट नहीं दिया। ठीक है, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी देखिए, आप अपनी बात भी रखिए, मेरा सवाल भी यही है, चूंकि आप समर्थन कर रहे हैं इसलिए मेरा सवाल भी यही है कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले ये मुद्दा उठा दिया, क्या चुनाव से पहले सवर्णों की याद नहीं आई कांग्रेस पार्टी को? ये सवाल नहीं बनता है क्या? कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं पूछना चाहिए आपको? क्या चुनाव से पहले ही ये मुद्दा उठाना चाहिए था? पहले से सवर्णों की याद कांग्रेस पार्टी को नहीं आई है? देखिए, अभी चुनाव होने में भी 6 महीने का टाइम है। हाँ। और बीजेपी के विकास के मुद्दे की स्थिति तो ये है सर, निकाय चुनाव, अगर आप निकाय चुनाव अगले महीने निकाल है तो बीजेपी कह रहे हैं 3-4 स्टेटों में
निकाय चुनाव 16 नवंबर को हो रहे हैं, निकाय चुनाव नजदीक है, 16 नवंबर को, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बने कितने दिन हुए हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने हुए एक साल हुआ है, मैनेजमेंट होता है। अगर ये कहते हैं इस बात को कि अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया तो बीजेपी ने फिर ऐसा कितना विकास किया कि सारा मंत्रिमंडल हार गया, इनका मंत्रिमंडल हार गया पूरा। हरियाणा में इनकी स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर विकास की हम बात करते हैं, इसका इतना ही विकास था, सर्व ब्राह्मण महासभा के ऊपर लाठीचार्ज करना, आरक्षण के मुद्दे पर ब्राह्मणों को और राष्ट्रवाद को, गाय माता को और गंगा को लेकर के चुनाव नहीं होते। ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, आप ब्राह्मण हो, आदरणीय में ब्राह्मण समाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये चीज गलत है क्या? क्या विकास की बात कर रहे हैं? अगर मैं आपको विकास के मुद्दे के लिए कोई काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं क्या? ठीक है, बोलो कि आप अगर ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, देखिए आप समय नहीं मेरे पास, इसलिए आप दोनों से इजाजत चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता देख रही है कि आखिर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या बीजेपी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सब ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष बैठकर बीजेपी के ऊपर ताने मार रहे हैं। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, इसका फैसला किया जा रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना होगा निकाय चुनाव पर, यह देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।